सीधा प्रदेश की है खबरों की ओर। खबर है मेरठ से। आपको बताते चले कि भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरठ में धर्म की आड़ में गुंडई करने वाले भी कम नहीं है। यह पूरा मामला मेरठ का है, जहां चांद रात वाले दिन हाईवे पर बिना अनुमति देवी जागरण कराने पर बीजेपी के महानगर मंत्री अड़ गए। इतना ही नहीं बल्कि सिविल लाइन इंस्पेक्टर को हिंदू विरोधी करार देते हुए जागरण रोकने के लिए बुलडोजर लाने की धमकी दे डाली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर मेरठ के आला अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। आपको बता दें, क्योंकि मामला सत्ताधारी दल और देवी के जागरण से जुड़ा हुआ है। वैसे तो मेरठ में भाजपा की महानगर कार्यकारिणी में मंत्री पद की जिम्मेदारी दीपक शर्मा को दी गई है, लेकिन दीपक शर्मा धर्म की आड़ में किस तरह से थानेदार को हिंदू विरोधी करार दे रहे हैं, इसका ऑडियो खूब वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि थानेदार को खुले शब्दों में धमकी देने के बाद दीपक शर्मा ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ऑडियो भी वायरल कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी थानेदार को लेकर बयानों की जंग छिड़ी हुई है। हालांकि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेरठ में हिंदुत्व के नाम पर बिना अनुमति जागरण कराने वालों का बोलबाला है और धर्म की आड़ में गुंडई करने वालों के समर्थन में सैकड़ों लोग खड़े हो गए हैं। इसके अलावा भाजपा की टिकट पर शहर विधानसभा का चुनाव लड़े कमल दत्त शर्मा भी दीपक शर्मा की पैरवी में खड़े हो गए हैं। हालांकि राजनीति चमकाने के लिए खुद मौके पर पहुंचकर सिविल लाइन इंस्पेक्टर को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने लगे। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि जागरण तो होकर रहेगा, अनुमति मिलेगी तो भी और नहीं मिलेगी तो भी होगा। वही पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर मौन है और एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी ने इस मामले पर कहा कि वो जो भी नियम के तहत होगा वह किया जाएगा, लेकिन बीजेपी नेता की गुंडई पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता जागरण की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईद और चांद को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्कता बनाए हुए हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं होने देना चाहती जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाए। वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीतिक चमकाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जागरण की तैयारी में जुट गए हैं।